का सागर ल में पार लगा सको का नहीं लगा सकाओ। तभो ने कोई संत पड़े सुघर लिखी से तारी है कि हे प्रभु आपको भुलाना मेरे अंदाज नहीं। जी हाँ आपको भुलाना मेरे अंदाज नहीं और आपको नजर अंदाज करना मेरी जज्बात नहीं। और आपकी कथा कह सकूं स्वामी इतनी तो मेरी औकात नहीं, इतनी तो मेरी औकात नहीं। इतना मोर औकात नहीं है महतारी हो कि मैं राम नाम की अथाह सागर ला पार लगा सकूं। बोल लखन सियाराम तंत्र की जय। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् रखी कभी। और वही
नाम के अश्वमा ससु के और ये राम नाम के गंगा माता जी के बेटा सुंदर सुनैया और बुजुर्ग सियान मल्ला ये मोर दशरथ के समान पिता जी मल्ला और ये कौशल्या कश्मीर जी मल्ला और ये राम लक्ष्मण के स्वर बड़े सिया मल्ला और नानी नानी लव कुश के समान मोर रहता और ये सुंदर और ये कौवा पर बोली भाखाला इकोटे वाला डाल के सजा के दूर दूर तक दिख रही था साउंड सर्विस वाले भैया और ये जब तक ये गांव के भी दो कर देते ना सपोज हना हमर ये जय मां शिव भवानी वाली का मानस परिवार की तरफ से कोटि कोटि साधुवाद है कोटि साधुवाद है महतारी हो हमर वाणी मां संगीत मां प्रभु से काहे की स्तुति हो रही है बोला अपन गांव के लिए गान के क्षमा कर हो महतारी हो सावन चलबो सुंदर कथा प्रसंग की ओर महतारी हो और कथा प्रसंग में जाए के पहले माता केशवर वल्लभ ऋषि रामचंद्र की जय Durga Ma
बार बार प्रणाम है
बोले लखन श्री राम चंद्र की जय। तब मुर्जत न थे, बुजुर्ग श्यान बैठे हैं, ये दशरथ के समान मोर पिताजी मन बैठे हैं और मोर कौशल्या कश महतारी मन बैठे हैं। ओकर लिए मैं हाँ आज हाथ जोड़ के क्षमा मांगा था काबर है, मैं थोड़ा समय से अविलंब हो गया कुछ कारणवश से, तो समय के चलते हुए आप मन से विनती है कि कुछ प्रकार से मोर गलती हो जाए तिलक क्षमा करूँ। तो आओ महतारी हूँ, चल वो सुंदर कथा प्रसंग की ओर। अब हम सबला पता है महतारी हूँ कि ये जो राम की कथा है ना वो अनंत ही अथाह है, और ये अथाह सागर में पार पाना बहुत कठिन बात है महतारी हूँ। जैसे एक छोटे से जाती रहते ना भाई, और समुद्र के तीर में जाते ना, तब तब ओकर अभिलाषा बढ़ जाते। कैसे बढ़ जाते कि मैं ये समुद्र ला पार लगा सकता हूँ कहके। देखो महतारी हूँ, एक छोटे से चांदी की जो इच्छा है तो कैसे बढ़ जाते कि मैं समुद्र ला पार लगा सकता हूँ। तो ये तो अथाह समुद्र है रे महतारी हूँ, कहा ये राम कथा है। ये राम नाम के जो गंगा को हाथ है ना महतारी हूँ, वो अथाह है। जैसे एक छोटे से चाटी समुद्र के तीर में जाते तो वाला पार लगा सकू कहीं पर अभिलाषा बढ़ जाते ना भाई हूँ। वैसे ही जब जब ये व्यास पीठ में बैठो ना महतारी हूँ, अब ये राम नाम के गंगा बहात रहते वहाँ आता ना, तब मोरो अभिलाषा बढ़ जाते। कैसे बढ़ जाते कि मुर्दाई महतारी मन बैठे हो ही तिकर मन के मुँह ले दू चार ठन महू राम कथा ल सुन लेते हो का, कि ये टूटा फूटा जबान में थोकन ये राम कथा ल सुना लेते हो का, ऐसे कही के मोरो अभिलाषा बढ़ जाते ताई है। जैसे एक छोटे से चींटी हाँ तरिया के सामने में जाते समुद्र के तीर में जाते तो ओकर अभिलाषा बढ़ जाते ताई हो, लेकिन वो समुद्र ला पार लगा सकी का नहीं लगा सके, काबर वो तो नानकन जीव हरे ना। वैसे ये राम नाम के अथाह सागर हरे महतारी है, जेला बड़े बड़े शेष महेश मन हम ज्ञानी मुनि मन पार नहीं लगा सकिस दाई हो, तब मैं तो एक साधारण नारी हरो, एक तुच्छ नारी हरो, तोहरे गांव के बहु हरो, तोहरे गांव के बेटी हरो, तोहरे कोरा के खिलाए लड़का हरो महतारी हो। तो अतका बड़े अथाह सागर में पार लगा सको का नहीं लगा सकाऊ, औकात नहीं। इतना मोर औकात नहीं है महतारी हो कि मैं राम नाम के अथाह सागर ला पार लगा सकूं। तब होले बाबा को स्वामी तुलसीदास जी बड़ सुघर बात लिखिस दाई है। का बात लिखिस कि न कवि कहाऊ न चतुर कहाऊ, मत अनुसार राम गुण गाऊ। सही बात है महतारी है, कतिक सुंदर बात लिखे है, न कवि कहाऊ न चतुर कहाऊ, मत के अनुसार राम गुण गाऊ। तो ये राम की कथा है ना महतारी हूँ, कतका अनंत ही अथाह है, जेला जैसे जेकर बुद्धि में पुरथे ना महतारी हूँ, और किस धुरिया लेके ही सुने बार आते हैं। तब मैं तो एक साधारण लड़का हरो, तुम्हारे कोरा के खिलाए बेटी हरो महतारी हो, तब मोर बुद्धि है तो एकदम छोटे ही महतारी हो। तो अपन बुद्धि जितनी धुरिया ले पुरथे ना दाई हो, मोर मती हाँ उतनी धुरिया ले आप मन के सामने में ये राम कथा ला परोसी के प्रयास करूँ महतारी हूँ। अब हमारे वाणी में संगीत में कोनो प्रकार की त्रुटि हो जाही ना दाई हूँ, तेला अपन लड़का जान के क्षमा करूँ महतारी हूँ। बोल लखन श्री राम चंद्र की जय। तो आज हमला का मिले हैं, प्रथम सोपान बाल कांड दोहो क्रमांक 92, जे में हमला सुंदर भोलेनाथ के कथा ल कहे के शुभ अवसर प्राप्त हो है महतारी हूँ। आज देखो कतिक सुंदर राम नाम के गंगा बहावत है ना टोंगी तरह गांव में, वैसे ही आज कहाँ जाए के तैयारी हुआ थे, बारात जाए के तैयारी कर रहे थे, का करे भोले भंडारी के, ये भोले भंडारी है ना ताई, बिहाव करे पर तो मानत नहीं रही से, लेकिन ओला कृष्णो प्रकार से ओला देवता मन हाँ ओला कतना प्रकार से मना बुझा के ओला बिहाव पर तैयारी करे है महतारी हूँ। और जब बिहाव पर तैयारी करे ना महतारी हूँ, तब वो कैसे तैयार हो से जानते हो नहीं, भोले भंडारी है। जब ओकर तैयार ला कौन करी से, ओकर गण बन करी से, और यहाँ आजकल हमर मन के तैयार करे बर कौन आते, हमर बेटी मन के, हमर बहनी मन के ब्यूटी पार्लर लागते ना, लेकिन यहाँ
हमार भोलेनाथ ला कौन तैयार करत है, ओकर गण मन तैयार करत है। और गण मन तैयार करही तो कैसे तैयार करही ला सबो जन जान सकत आई है ना। तो आज देखो हमार भोले बाबा के बारात जाए के तैयारी होवत है। माता रूही करके कथा प्रसंग हमला मिले। विष्णु कहा अस बिहसी, तब बोली शकल दिसिराज, बिलग बिलग होई चल हुषब निज निज सहित समाज। देखो महतारी हूँ आज भोले भंडारी बिहाव पर मान के दाई हूँ। जब ब्रह्मा होकर से विनती करी काम ल तो वो भस्म कर डरे रही से ना भोलेनाथ है तो ओकर समाधि ल टोरे के काकरो में हिम्मत नहीं रही दाई हूँ। लेकिन जब एती ओती करके दसों प्रकार से ओकर लिए प्रयास करे कि ओकर समाधि ला जब तोड़े कि महतारी हो तो वही समय में सब देवता मन सकला के कहिस कि ए हा तो पहिया भूता हरे, कितना समय फिर समाधि में बैठ जही तेकर कोई ठिकाना नहीं है। तेकर ले जल्दी जल्दी एकर बिहाव के प्रस्ताव करे जाए, एकर बिहाव लरा चीज दिया जाए। तब ब्रह्मा, ब्रह्मा कौन हरे पिताजी, ब्रह्मा है तो सियान हरी, तो सियान के बात ला माने जाते कही के सियान लाया घूमते कहीं का कर भोले नाथ करा। काबर तोरे जो बात ला मान ही है भोले हाँ, भोले है तो बहुत ही भोले हैं। अब ये कितना बेर समाधि पर जही तेकर कोई ठिकाना नहीं है। तेकर ले जल्दी जल्दी एकर बिहाव करबो कही के कि किस महतारी हो। और बिहाव के जैसे ही तैयारी होइस ना तब वो कैसे तैयार हो के जावत है एला देख के विष्णु भगवान के जब संग में देवता मन का कहा थे महतारी एला। और छोटे से भजन के बाद परोसी के प्रयास करबो। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय।
मानस प्रेमी श्रोत संत समाज, आज विष्णु भगवान के जब बरात जाए के तैयारी होते ना महातारी काकर भोलेनाथ के क्षमा चाहूं तब भोलेनाथ के जो बरात जाए के तैयारी होते तो विष्णु भगवान ना सब जन देवता मन कहा थे का कहा थे कि हम अनेकर सन नहीं जावन कहा थे काबर नहीं जान कहा थे और सही बात है अच्छा अच्छा ला सब देखे तो भोलेनाथ के जो सिंगार हो है ना आज भोलेनाथ के सिंगार ला कौन करे गण मन करे है और वो कर जो सिंगार हो है जटा के मुकुट बनाए गए है और वो कर जो हार पहनाए गए सांप सांप के गले में वाला माला पहनाए गए है कंकन जो हाथ में पहने गए है और सांप के हरे बिच्छू के बाला पहनाए गए है तो ऐसे तैयार हो है भोले बाबा हाँ हल्दी के जगह में काला लगाए हो शमशान के राख लचुपरी है देखो महतारी हो आज तो हम जब शादी करथन बेटी बेटा के तो कतेक सुंदर पहले ले इंतजाम करके रखन कि कौन से हल्दी शरीर में सूट करते और कौन से नहीं करे तो कतना जतन करके हम हल्दी लतको रखे रखन लेकिन भोले बाबा पर जब गण मन की इसकी बिहाव करत है तोला जरूरत पर ही दे कहीं तो तैयारी के सुध नहीं है का कथे ता का बार ता हरदी वरदी कहीं लागहिच का कही ओकर गन मन हदय ता भोलेनाथ की इसके मोर लिए शमशान के राख लाओ ता शमशान के राख ला ला के हल्दी के जगह में लपेटे रहिस दाई ओकर अंग में अब पूरा सांप मन के जेला हमन देख के डर रहा था है ना जितना भी विषैला चीज है एला कौन रखे है अपन शरीर मा धारण करे है भोलेनाथ है तुम अब ऐसे बराती जो बराती मन अपन अपन अच्छा से सजाए है अपन अपन वाहन ला सजाए हबे तो ये भोलेनाथ सन जाए बर कैसे कहा था हमन भोलेनाथ सन नहीं जावन भैया एकर सन जाबे तब बेइज्जती के सिवाय कुछ नहीं है कहा था काबर ओ बैलम चढ़ के जावा थे और हमन अपन अपन वाहन में जब अपन अपन विमान में जाबो तब बेइज्जती के सिवाय कुछ नहीं होना है कर सन जाबो तक कहा था अब भोलेनाथ के संग में नहीं जान के हिस्सा विष्णु भगवान कहने लगे इसके तुमन अपन अपन समाज ल सब सुधार लो सब अलग हो जाओ कथे आ सही बात है भाई जब तोला ऊंचा ग्रेड में रहना है ते अच्छा अच्छा तैयार हो हस ता एकर सन जाग बेइज्जती करवाहू ते कर ले तुमन अपन अपन समाज ल सब अलग अलग कर लो कहिस सब देवता मन ल कहिस तुमन अपन अपन समाज से अलग अलग हो के जाओ तब एडहर भोले बाबा कहे लगीस अच्छा तए मन रहिस ग्रेड के हरे औ मोला निम्ना निम्ना मतलब छोटे ग्रेड के समझते है ना अब गरीब मन के कोई इज्जत नहीं है यहाँ तब का कहा थे भोलेनाथ कि गरीब मन के कोई देखैया नहीं है कोई बात नहीं है तुमन ऊंचा ग्रेड वाले हरो ता ऊंचा ग्रेड में जाओ कथे ऊंचा ग्रेड में जाओ ना ता तुमन अलग हो जाओ कथे कोई बात नहीं मैं अकेला चल दूं कौन ला बुला के जाऊं मोरो पर सियान है तुमन टेंशन झन लो कहा थे तुमन नहीं जाना चाहत हो मोर सन तो मत जाओ काबर में छोटे हरो ना मोला गरीब समझा थे तुमन हाँ और सही बात है ताई आज के जमाना में ना अमीर और गरीब के चिन्हने वाला बहुत है महतारी हो जब बड़े आदमी रहेंगी ना तो इंसान वाला का के थे धुरिया ले जय राम जय श्री राम के थे और छोटे आदमी बीच कले गुजारत रही ना महतारी हो तब वो लोला देख के बात करना भी पसंद नहीं करे तो वही बात आज का में आते ये भोलेनाथ और ये देवता मन के बीच में आवा थे
ओकर गण मन हा तैयार करे हे ओला भोलेनाथ ला बारात जाए बर तो ओकर सकल सूरत ला देख के ओकर साज सजावट ला देख के का कहत हे कि हम एकर सन्नी जान का बार बेइज्जती के सिवाय कुछ होने वाला नहीं है। तो कौन बेइज्जती करा बार एकर सन जही ता आज भोलेनाथ कहिस कि तू मन अपन अपन समाज में जाओ मैं हमोर सियान ला बला के ओकर सन जहू गथे। और मोर सियान कौन हरे सिंघरी सिंह जेला बुला हूँ अब मैं ओकरे सन जहू मोरो कर सियान है जी तू मन ला अच्छा ग्रेट में जाना है और कामे जाना है दुल्हा गाड़ी कतेक सुंदर सजे रहते ता आज एकर देवता कौन हा दुल्हा सन्नी जान कहत काबर ओ पहिला पैट के जावत है ना तेकर सती तोर सन्नी जान कहत है। अपन अपन आदमी मन हा भीड़ भड़ा कम जाना पसंद नहीं करे कई जन मन हा सही बात है का होते दाई हो कई घर स्थिति देख के लगाए रहते ना कैसे लगाते कोई मन बस लगाते तो कोई एयर कंडीशन लगाए रहते तो ओमे आलीशान बैठ के जाना पसंद करते कई जन ना। और कई घर स्थिति ऐसे रहते जो न काला लगाते खुला गाड़ी ले लगाए रहते डीआई ले लगाए रहते है ना तो ये सब में जाना पसंद नहीं करे। आदमी मन का करते अपन खुद खर्चा लगा के एकदम एयर कंडीशन कार में जाबोगा कथे और कार में जाते अलग से और दूल्हा कहाँ जाते दूल्हा बेचारा बैठ के जाते डीआई में और बाराती मन जाते कमा एयर कंडीशन कार में ऐसे स्थिति होते महतारी होता उही प्रकार से आज भोले बाबा में चला थे भोले बाबा हाँ बैलम चढ़ के जही और हम अपन अपन कोनो गरुड़ में जाते तो कोनो और कहीं जावत है तो एकर सन बैलम चढ़ के जही तो एकर सन बेज्जती नहीं हुई हमार मन के। और वैसे सजावट करे है हा आज जे राख ला लपेटे है अपन शरीर मांग मा और सांप डेरू लाए अपन गहना बना है देखो महतारियों आज भोले बाबा हाँ कतेक बड़े शिक्षा देते हमन ला जब बोला उनका गण मन कृष्ण महतारी हो कि तोर लिए मौर काला बनाबो कही के तब भोले बाबा के ही सुंदर हमला शिक्षा दे के प्रयास करते का कहा थे भोले बाबा की मोला मुकुट नहीं लगाना है काबर जी हाँ ये ले वाला मुकुट ला लगाऊ ना और जब मुकुट मोर सिर में आही तब का हो ही मोला पद मिल जाए और जहाँ पद मिलते ना तन आदमी ला पद प्रतिष्ठा मिले से घमंड हो जाते अहम आ जाते तो मोला ये मुकुट नहीं लगाना है कि भोलेनाथ देखो दाई सही बात है ये शिक्षा के बात है महतारी हो। आदमी छोटे से भी पद में आते ना दाई तो ओकर अहम बढ़ जाते पद प्रतिष्ठा मिले ले आदमी के भाव बदल जाते छोटे से भी अब देख लो पंच सरपंच बनते कितना दिन भर 5 साल भर लेकिन ओकर मान सम्मान जब मिलते होला तो ओकर जो आव भाव है वो बदल जाते मान सम्मान मिलते ना पद प्रतिष्ठा मिलते तहन सबके व्यवहार बदल जाते दाई हो तो ओकरे सती अपन गण मन लगी भोलेनाथ की मोला मुकुट नहीं लगाना है मुकुट लगाहू ना तो घमंड आ जाही पद प्रतिष्ठा बढ़े ले घमंड आ जाते तो मोला मुकुट नहीं लगाना है ओकर वजह से का करी से जटा के मोर बनाई जाई है। और जब ए मन में पहले बार कहिस ना तका कहिस से कोनो जगह नहीं खोजका डबरा मन में ढोड़िया मन होही ना ढोड़िया या सोड़िया होही ते मन ला लेके लानो मोला आनी पानी के बाजार वाला चीज नहीं चाहिए ये सब मन मोर संगवारी है कोनो जगह दिखत होई सांप डेरू ओ मला ला के मोर शरीर में गहना बनाओ कि इस महतारी हो तो ये सब ला देखा थे कौन देवता मन हा के बैहा भूधा का सजे है और वहां जाबो कहां माता ललाय बर बरात जाबो तो एकर संग जाबो तब बेज्जती हो ही हमार मन के तेकर सती अपन अपन समाज ला सुधार लेओ कि भोलेनाथ कर विनती करी कि विष्णु कहा अस बिहसी तब बोली सकल बिसिराज विष्णु भगवान ने कही कि भगवान हम नहीं जाने कर सन तब विष्णु भगवान भी सुंदर कही कि तू मन अपन अपन समाज ला अलग कर लो कही के और देखो महतारियों सब जन बारात कैसे चलत है आओ एक छोटे से भजन के बाद बताए के प्रयास करो बोल लखन श्री रामचंद्र की जय बोल श्यावन रामचंद्र की जय। जैसे कि आप सब मन हा अभी शिवशंकर महादेव के बारात की कथा सुनत हो तब मैं आप सबसे अनुरोध करत हूँ मैं एक छोटे से कथा के माध्यम से भजन के माध्यम से आप सब मन ला कथा
महादेव के बरात के विषय में बताना चाहता हूँ। तो आप सब मन के सहयोग चाहूं, आप सब मन एक बार जोर से जयकारे लगा रहे हैं। बोलो स्वागत रामचंद्र की, हर हर महादेव की जय। आप मन के आवाजें नहीं आ रही, एक बार जोर से बोलो श्री शंकर महादेव की जय। आप सब मन से ताली का अनुरोध चाहूं मैं। चलना गजा चलना गजा Thank you.
महतारी हूँ, पीला बत्ती की संकेत है, 5 मिनट की शेष है। कौन जनेगा प्रभु बात कहे है? हे हे Thank you.
अले मेरी जिंदगी सजा दे मुझे सो ले से लगा ले मेरी पल 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 आग तेरी तड़पा दे फिर रूप जिगर में बता के आज बुला